बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं छोला हलवा पूरी की रेसिपी। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, आप इसे घर में ट्राई करें, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। पूरी के लिए हमने मैदा लिया है, ये 1 kg मैदा है, 4 कप। अब इसमें 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 teaspoon सॉल्ट डालेंगे इसमें। अब इसको मिक्स करें, पानी डालें, इसमें जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसको अच्छे से गूंदना है, जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। घी डाल दें 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसको घूमना है, आटा हमने गूंद लिया है। अब इसको 10 मिनट कवर करके रख देंगे। 1 कप ऑयल डाल दें, 1 प्याज डाल दें चॉप करके 1 medium size का, 1/2 जीरा डाल दें और 2 अदद लौंग डाल दें। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको। अब इसमें 1 कप टमाटो प्यूरी डालेंगे, अब इसको मिक्स करेंगे, साल्ट टेस्ट डालें, रेड चिली पाउडर डालें 1/2 teaspoon, हल्दी डाल दें 1/2 teaspoon, गरम मसाला पाउडर डाल दें 1/2 teaspoon। अब इसको मिक्स करें और ग्रेवी की अच्छे से भुनाई करें। ग्रेवी की अच्छे से भुनाई करें ताकि टमाटर पक जाए अच्छे तरीके से और मसाले भी। चिकन क्यूब डालें तोड़ के। अब इसमें उबले हुए चने डाल दें 3 कप। इसको मिक्स करें, अब इसमें पानी डाल दें, चनों का उबला हुआ पानी जो बचा था। हरी मिर्ची डाल दें, 1/2 teaspoon मीठा सोडा डाल दें इसमें। अब इसको 10 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके रख दें। दस मिनट दम के बाद अब इसको देखते हैं। ये हमने एक पोटैटो दिया था उसको बॉईल किया था पानी के साथ और फिर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, ये इसमें डाल दें, इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। अब 10 मिनट और इसको कवर करके रख देंगे। नमक आप चेक कर लें, ये हमारी कमर्शियल रेसिपी है, जैसे हम हलवा पूरी छोला बनकाते हैं ना बाजार से, वही रेसिपी है बिल्कुल। जब तक हमारे चनों को दम आ रहा है हम चूल्हा चेंज कर लेते हैं और हलवे की तैयारी करते हैं।
एक कप देसी घी डाल दें इसमें, 3 से 4 छोटी इलायची डाल दें तोड़कर, एक कप सूजी डाल दें छानकर, और इसको भुनाई करें। इसकी अच्छे से भुनाई करें जब तक खुशबू आए। चीनी डाल दें 1 कप, एक मिनट इसको भूनना है। चीनी डालने के बाद चीनी, घी और सूजी तीनों की मिक्दार एक जितनी होनी चाहिए। आप थोड़ी सी चीनी अगर कम खा दें तो थोड़ी कम कर सकते हैं। एक चुटकी नमक डाल दें, पानी डाल दें 3 कप, कलर डाल दें। पानी हमारा ड्राई हो गया है और हमारा हलवा अब रेडी हो गया है बिल्कुल। अब हम पूरी की तैयारी करते हैं। पैन में ऑयल डाल दें, पूरी के पेड़े बनाते जाए इस साइज के सारे। पूरी के लिए हमारे पेड़े रेडी हो गए। अब हम पूरियां बेलेंगे। पूरी को अच्छे से बेल लें। ऑयल हमने गरम होना रख दिया है, अब ये पूरियां उसमें तलते जाएंगे। ऑयल को गरम कर दें, फिर मीडियम टू हाई पर इसको फ्राई करना है। अब इसको निकाल दें ऑयल से। इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। ये देखिए कितनी फूल गई है पूरी। जैसा आप बाजारों से लेकर खाते हैं ना हलवा पूरी छोले, ये बिल्कुल सेम वही रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब इसके ऊपर काली मिर्च पाउडर डाल दें थोड़ा सा, हरा धनिया डाल दें। चने हमारे रेडी हो गए, अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
पूरी, छोले और हलवा हमारा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा।